गैज, अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है नाइटफॉल को स्टॉप करने के लिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। सो हे गैज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गैज, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप नाइटफॉल। अगर आप लोग टीनएजर्स है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों को नाइटफॉल होता है। ये मत सोचना कि ओनली मेल्स को ही होता है, ठीक है। टीनएजर्स है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है नाइटफॉल की। तो अगर आप लोगों को होता है, इसके क्या कारण है, कैसे होता है, और आप लोगों को क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है, और किस तरीके से आप लोग नाइटफॉल को जल्दी से जल्दी स्टॉप कर सकते हैं कुछ तरीकों को फॉलो करके, तो चलेगा आज बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आप लोगों को हफ्ते के अंदर नाइटफॉल एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो नॉर्मल है। अगर महीने के अंदर तीन से चार बार, पांच बार हो रहा है, तो भी नॉर्मल है। अगर आप लोगों को हर एक दिन हो रहा है, दिन में दो बार हो रहा है, हर एक दिन छोड़ के हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इशू आने वाले हैं, आपका मसल मास लॉस होने वाला है, आप लोगों का वेट नहीं बढ़ेगा, आप लोगों की बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, आप लोगों की नेल्स की हेल्थ खराब हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम, आपका रंग काला होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें आपको आने वाली हैं अगर आप लोगों को ज्यादा नाइटफॉल हो रहा है, चाहे आप लोग मेल है चाहे आप लोग फीमेल है। तो ये मत सोचना कि भाई ओनली मेल्स को होता है, फीमेल्स को भी होता है, ठीक है। तो गाइस, अब यहां पे बात कर लेते हैं कि कौन से वो कारण है, किन कारण आप लोगों को नाइटफॉल होता है। सबसे पहला कारण, अगर आप लोग बाहर का खा रहे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खा रहे हैं, तो आपको नाइटफॉल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। या फिर आप लोग बहुत ही दबा के खाते हैं, पूरा पेट भर खाते हैं, तो भी आपको नाइटफॉल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वो आपको होगा ही। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, 100 में से 99 लोगों को होता है मास्टरबेशन या फिर सेक्सुअली कंटेंट देखना सोचना। आप लोग वही सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी मजबूरी में स्पर्म रिलीज कर देती है, फिर आप लोग बाद में बोलते हैं भाई हमने तो ये सोचा नहीं है, ये कैसे हो गया, आपकी बॉडी ने कैसे कर दिया। भाई, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ कहीं ना कहीं है, आप लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी सोच बदलनी है, उन चीज़ों को देखना बंद करना पड़ेगा, जैसे कि पोर्न वीडियोस, या फिर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपने आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को यही होता है, सपना आता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से स्पर्म रिलीज हो जाता है, देन आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कईयों को डेली हो रही है, कई लोगों को एक दिन छोड़ के होते, कईयों को हफ्ते में दो बार हो रहा है, कईयों को चार बार हो रहा है, तो ऐसे ही होता रहता है भाई। तो इस चीज़ को बदलो, ठीक है, अपनी सोच बदल लो, उस चीज़ को ना देखो तो अच्छा है, उसकी जगह रेसलिंग देख लो, जिम वर्कआउट की वीडियोस देख लो, वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो। तो ये तो सबसे बड़े कारण है जिनकी वजह से आप लोगों को नाइटफॉल होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को बंद कर दें, अच्छा देसी खाना खाएं घर का, और दूसरा ये है कि भाई अच्छी चीज़ें देखें, या फिर देखें ही ना, कोई गेम खेल लें उससे अच्छा। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें आप लोगों को डाइट के अंदर ऐड करनी चाहिए, जिसकी वजह से नाइटफॉल स्टॉप करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहला टिप ये है कि आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर विटामिन D3, जिंक रिच फूड, और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, जो कि आप लोगों को नाइटफॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। या फिर आप लोग अश्वगंधा भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, एक खास बात का ध्यान रखना कि रात को सोने से पहले आपको गर्म दूध नहीं पीना है, ना ही आपको कोई भी ड्राई फूड खाना है, ना ही कोई ऐसी गर्म चीज खानी है, खजूर वगैरह, जो कि आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा करती हो। तो ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उसको फॉलो करें, देखना आप लोगों को विद इन 1 वीक के अंदर बहुत ही अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर गार्लिक का यूज करना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों को सोने से पहले लस्सी पीनी है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लस्सी, दही, पनीर। एंड जिनको सबसे ज्यादा नाइटफॉल होता है उनको क्या करना चाहिए, सोने से पहले एक आंवला या फिर आंवला जूस पी के सोना है, देखना 110% आपको गारंटी देता हूँ आपका नाइटफॉल ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा। और हाँ गाइज, जिन लोगों को नाइटफॉल होने से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, वेट गेन नहीं होता, उन लोगों को क्या करना है, 2 चम्मच शहद लेने हैं, 2 केले लेने हैं, ठंडे दूध के अंदर डाल के मिक्स करके वो पीना है, देखना आपकी वीकनेस एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स है जिनको फॉलो करके आप लोग अपना नाइटफॉल स्टॉप कर सकते हैं। एंड हाँ गाइज, आप लोगों को वर्कआउट एंड एक्सरसाइज दिन के अंदर कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करनी है, और कीगल एक्सरसाइज अपने वर्कआउट प्लान के अंदर जरूर ऐड करें, जो कि नाइटफॉल को स्टॉप करने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है।
तो गाइस यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आप लोग नाइटफॉल को स्टॉप करना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो सीधा डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड।